नमस्कार सलाह और झूठ को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राव सभी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनीता सिंह पर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हम रेडी हो चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं तो मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग से हम मिलेंगे अल्मोड़ा में। तो ये सब लोग हमें छोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, पापा काव्या मम्मी सब लोग हैं, सामान ही पैक नहीं हो रहा है और हमारी दोस्त भी जा रही है हमारे साथ में। तो चलते हैं सफ़र का आनंद लेते हुए। मुँह बना रखा है दोनों ने। हाँ मेरी तो नहीं आ रही है, कहीं काम बंद करेगा। कल इतना पताया था ना, रात को भी इनने बर्तन धुलाए। दीक्षा भी रात को भी इनने बर्तन धुलाए, उससे सुबह उठते उठते दो बाल्टी पानी भर के लाए खड़ी वहां से हैंडपंप से। तो गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगे हैं यहाँ, और श्वेता के गोद में बैठ गया डुगिया। हाँ सही पकड़ा, किसको बाय कर दिया? अच्छा आज तो दोस्तों को अपने वही ले जाती हूँ, धर रहा आ धर रहा पूछा जाऊ तो उनका गाइस इन लोग को तो हो गई है बहुत उल्टी, इसको भी बहुत उल्टी हो गई है। मुझे तो नहीं हुई, वो लोग वहाँ पे परेशान हुए उल्टी करते करते। कहाँ गए वो है बेचारे, बहुत उल्टी कर रहे हैं यार। हमें तो नहीं हुई आज, सोए थे हम तो। तो गाइस ये उल्टी करके बेचारी बहुत परेशान हुई है। बीच में क्या क्या आया रे, बीच में क्या क्या आया पार्टी के बाद तो पता ही नहीं चला। तो गाइस दुगु ने अभी तक तो उल्टी नहीं की थी, अब उल्टी कर दी है बहुत सारी। अंकल जी के ऊपर भी कर दी पैंट में, बहुत वो हो रहे। और वो बूबू पता नहीं वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जैसे आलू लगाते हैं वैसे ही लगा रहे हैं। यहाँ पे हम बताऊँ कहाँ पहुँचे हैं, हम शहर फाटक पहुँचने वाले हैं। अभी तो शहर फाटक नहीं पहुँचे हैं, ये पता नहीं क्या है, ये बेल चूड़ा है। बेल चूड़ा क्या चूड़ा कुछ था यार पता नहीं, बेड़ चूल्हा है बेड़ चूल्हा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं शहर फाटक, और हम बहुत ठंडा भी हो गया है, बहुत भूख भी लग रही है, लोग कुछ खिला ही नहीं रहे हैं। शहर फाटक पहुंच गए और ये लोग कुछ खिला भी नहीं रहे हैं। अभी ये श्वेता लोग यहाँ से जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखा रही कि दिखने की उल्टी कर दी है। देख लिया गाइस ने, हम लोग कुछ खाने को क्या, गाइस हम लोग खाने के लिए गाड़ी छोड़ के कितनी दूर जा रहे हैं, और वो भी उल्टा शीशे खोले हैं यार, बताओ। और शीशे भी खोल के जा रहे हैं, इनसे बंद करके आओ, खाए निकल के आई नहीं। हम पहुंच गए हैं शहर फाटक, और इस दुकान में हम रोज रुकते हैं, मतलब इस वाले होटल में। क्या खाने के लिए जब भी आते हैं, मतलब चने रायता खाने के लिए और गरम गरम पकौड़ी खाने के लिए। तो आज हम पहुंचे तो यहाँ पकौड़ी बिल्कुल भी नहीं थे, हम पड़ोस से लाए तो बिल्कुल ठंडी पकौड़ी दे दी उन लोगों ने, तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगा। और चने रायते तो बहुत मस्त बने थे, चटपटा मिक्सर। और ये मैं चाउमीन खाऊंगा, कह रहा इतना बदतमीज है ना ये। तो गाइस हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं लमगड़ा अल्मोड़ा नानी के घर। और ये बहुत कर रहे हैं सुबह से नानी को। तो दोस्तों ये वाली रोड ऊपर वाली रोड गई हल्दानी को, और रजनी लोग इस रोड में चले गए हैं, और हम चले गए नीचे अल्मोड़ा वाली रोड में लमगड़ा को। क्या बन रहा है? तो दोस्तों यहाँ शायद ये सेब का बगीचा है ना, सेब का ही बगीचा जैसा लग रहा है, और भैया लोग यहाँ काम कर रहे हैं, शायद आजीविका द्वारा या हिमालय फाउंडेशन वालों द्वारा दिया गया होगा। और ये हमारे पतिदेव हैं।
बच्चे हैं मम्मी के। हाँ इतना खाया था, आगे डोल आश्रम के पास जाके सब उखाड़ दिया इसने। हाँ और यहाँ पे मिला हमें हैंडपंप, हमने कहा इससे गाड़ी को भी धो लेते हैं, डुगू के हाथ मुंह धुला देते हैं करके, और ये चलाने लगे तो इसमें पानी नहीं मिला। अब गए हैं वहाँ मिस्टर जी उस दुकान से, वहाँ से हैंडपम्प से पानी भरने के लिए गए हैं, और हम यहीं पे आज स्टॉप पे स्टॉप मतलब रुकते रुकते ही जा रहे हैं। इतनी हालत ख़राब हो गई ना दोस्तों, क्या बताऊँ यार, इतना लंबा सफ़र, इतनी दूर शादी तो नहीं होनी चाहिए भैया, खाली जो करी चंपावत शादी। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं डोल आश्रम के पास, वो सामने आप लोग को दिख रहा होगा डोल आश्रम। हाँ इसके अंदर तो अभी पिछली बार आई थी, पिछली बार तब गई थी मैं, अभी तो बहुत अच्छा बना दिया है यहाँ, और अभी भी काम चल रहा है। सारे जो मंदिर बनाए हैं ना, वो ऊपर वाले में भी 9 देवियों की मूर्तियाँ हैं, और उसके सामने जहाँ टीन डाल रखा है, हाँ, और इधर साइड गेट है जहाँ, उसके जस्ट बगल में महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति बना रखी है। बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं तो आज साक्षात अपनी आँखों से ही देख रही हूँ। पहले भी मैं तो खैर आ चुकी हूँ यहाँ, लेकिन फैमिली के साथ नहीं आई हूँ, भगवान ने चाहा तो आ जाएंगे। तो गाइस हम पहुँच गए हम पहुँच गए नानी के घर। हंसी आ रही है यार, मतलब हम दो कुरकुरे लेके आ रहे हैं। फिर से स्टॉप हो गया, हम पहुँच गए हैं नानी के घर पे, और भानु गई हुई है दुकान पे, तो अब यहाँ खाना पीना अभी नहीं निकालना है, खाना पीना खा खू के फिर जाते हैं यहाँ से। पापा वेट कर रहे हैं लमगड़ा पे। मामी रोड में ही लेने पहुंच गई थी। हाँ और भानु कह रही अब मैं नहीं बनाती हूँ ब्लॉग, अब तुम बनाओ, इसको लग गई है शर्म यहाँ पे। चलो चलो चलो, और नानी तो है नहीं, उनकी तबीयत खराब हुई थी तो नानी गई हुई है। हल्द्वानी तो बाकी लोग से मिल लेते हैं, नाना 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 लोगों से। खुश रहो। ये को अंजलि मनु, हाँ यो मनु मंजली अंजलि की मंजली वाले। खुश रहो खुश रहो। एक सबसे छोटी से अभी मिलते हैं और बड़ी से। हाँ उसका नाम क्या है? हाँ? और ये है सबसे छोटी गुन्ना हमारी। तो गुन्नू को देख के ना काव्य की याद आ रही है, कह रही हैं गुन्नू आ भी जा रही है हमारे पास, और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब हम लोग चल देते हैं घर की तरफ। बाजू लमगड़ा आए हैं, नहीं तो सारी लमगड़ा एक लगा देंगे। घर से हम लोग आ गए हैं, और हमारे साथ आई है अंजू, ट्यूशन जा रही है। हाँ और इनकी दोस्त यहाँ से लेना है, रुक जाओ। तो इनकी दोस्त निक्कू को ले लेते हैं। अंजलि दोस्त बल में आ जाऊँ तुम हिटो तो हम हिटनो अब। हाँ यो आप ही होनी पछिल पे। तो हम पहुंच गए हाथी खान, और पहले हम अपनी स्कूल हूँ जानू यो वाल गेट बुटी हुई है। ये है हमारा शॉर्ट रस्ते का गेट, यहाँ से हम लोग आते थे, और ये है किसंदा लोग की दुकान, बिसंदा लोग का मकान जहाँ हम पैकिंग करते थे, और ये है लमगड़ा का रास्ता जहाँ से हम पैदल पैदल ऑफिस जाते थे। किसंदा बिसंदा दुकान हम आ गए, क्या दुकान से रूम नामा भूल गयो। तो हम लोग पहुंच गए हैं हरि भवन में, और यहाँ से आगे को थोड़ी सी है लमगड़ा 200 मीटर। पापा हरि भवन में ही थे, अब देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं लमगड़ा, और यहाँ पे मिल गए हमें पापा जी, और अब चल देते हैं घर को। पापा जी सामान वामान सब रख दिया गाड़ी में, कुछ लेना है तो फिर जाते हैं, लाना है क्या? जाओ जल्दी लाओ, चलते हैं। यहाँ क्या करते हैं फिर? हाँ जी पापा को पैसा। तो भैया ये हम पहुंच गए लमगड़ा से आगे, और यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को रिजॉर्ट। ये लोकल वालों ने जमीन बेच बेच के बाहर वालों ने यहाँ बना दिए है रिजॉर्ट। चमक गई लमगड़ा।
फाइनली दगड़ियों मैं पहुंच गई अपने मायके और गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और अब सामान वामान निकालने लग गए हैं। हाँ, अब चल देते हैं यहाँ से नीचे को। ये रहा मेरा गांव, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे मायके का गांव, और मेरा घर वो नीचे है। तो भैया सामान लेके रोड से नीचे को आ गए हम लोग। हाँ, और डूब गया तो नानी के पास जाता हूँ, क्योंकि पहुँच गया बहुत नीचे, घर पहुँच जाएगा। हम अभी है रास्ते में, कहाँ पे है, दुबट्टिया में। दो रास्ते जहाँ से अलग होते हैं वहाँ पे दुबट्टिया। इनको जर्किन भर हरी वाला पगली, कपड़े वही निकाल आती थोड़ी। कैसे क्या पता है वो डुगिया कहाँ पहुंचा, अकेले दौड़ा कर रखे। डुगू की नानी गाय बादरी है। हम लोग को दिखाती हूँ मैं मम्मी एक पिरोवा खाता हाँ, यो बार इतनी लगा रहा आयल एक गोठा धरनो बल पापा। ये बैग इतना भारी है सर, इसके भाई भी कम कपड़े हैं यार, कम से कम चार जोड़ी कपड़े हैं, और देखो बैग कितना भारी है। मम्मी हमारा उन्होंने गोरबाल लबाली गोठ हाँ ठंडा हो जाए, यो हमारे गोट है और यो चारा नाद है, और मेहमान ने पूछ गई हमने पहली बज गई चार, और यहाँ आइला आ रहा हम। यो बूढ़ी पहले गली उन गए बेरा आ बोल तुम्हारे को बहुत करी उन पे। तो गाइज मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना भदिया, जो यहाँ पे बग 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 करके मेरा दिमाग खराब करे जा रहा है। हाँ, ये यहाँ पे आके कभी मैंने कहा तेरी बहन कहेगा, कभी कह रहा हरिद्वार चली गई है बल, कभी कह रहा मामा के घर गई है, बहन गई है जंगल, और यहाँ से तो धूप धूप चली गई है। अभी तक हम धूप सेक रहे थे और पार जंगल में पहुंच गई है धूप, अब वहां तो जा नहीं सकते यार धूप सेकने के लिए। तो हम लोगों ने चाय वाय पी ली है, अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, बहुत थकान हो रखी है क्योंकि डुगू ने बहुत उल्टी कर दी आज। और मम्मी जा रही है भिक्कू काटने के लिए। भिक्कू का पेड़ कहाँ पे है बताऊँ, वो नीचे जो दिख रहा है वो वो भिक्कू का पेड़ है, मम्मी काटने जा रही है, और साथ में राहुल जाएगा भिक्कुआ काटने, वो पेड़ है, और मम्मी के साथ राहुल जाएगा। ये राहुल मतलब डुगू के पापा नहीं, हाँ ये नीली जैकेट वाला मेरा भदिया है दादा का लड़का, ये जाएगा। तो दोस्तों रात हो गई है, खाना पीना हम लोगों ने बना लिया था, जैसे आए चाय वाय पी उसके बाद खाना बनाने में लग गए थे, और अब हम लोगों ने खा लिया है खाना। तो सब लोग सो चुके हैं, और हम लोग अभी मम्मी मैं भानु डुगू तो टीवी देख रहे हैं। क्या आ रहा है डुगू, लड्डू गोपाल आ रहे हैं, तो ये दिखाती हूँ मैं। भानु लोग सो गए हैं नीचे, सबका बिस्तर लग चुका है, ये दोनों सो गए हैं और मम्मी भी सो गई है, पापा भी सो गए उधर कोने में, महाराज जी तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी सो जाती हूँ, और बहुत रात हो गई है क्योंकि आप बहुत थकान भी हो रखी है। हाँ कई जगह रुक रुक के आए हैं डुगू ने, जो हालत ख़राब कर रखी थी हमारी। तो मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय शुभरात्रि। कल को आपसे मिलेंगे मेन अल्मोड़ा में, तो बने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं यहीं, और मिलते हैं आपसे कल को एक नए ब्लॉग के साथ मेन अल्मोड़ा में। तो इसके लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि।